ये बाइक क्या आपको कहीं से भी रॉयल इनफील्ड की बाइक लग रही है? नहीं लग रही होगी, लेकिन ये रॉयल इनफील्ड की बाइक है, कॉन्टिनेंटल जीटी। ये कस्टम बिल्ड बाइक है जो शोरूम में खड़ी है, और मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये नॉट फॉर सेल है, मतलब ये बिकेगी नहीं, ये सिर्फ शोरूम में खड़ी करने के लिए इसको बनाया गया है। अब कैसे बनाया गया है ये मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। अब जैसे ये ट्विन सिलेंडर की बाइक है, ऑयल कूल्ड बाइक है, अगर आप सेम खरीदना चाहते हैं तो जो ये कस्टम खड़ी है ये तो आपको करवाना पड़ेगा, लेकिन आपको कॉन्टिनेंटल जीटी या फिर इंटरसेप्टर जो इधर खड़ी हुई है, इधर दिखाना ज़रा, ये कॉन्टिनेंटल जीटी है जो कि ट्विन सिलेंडर के साथ आती है, और ये आप खरीद सकते हैं लगभग 4,15,000 रुपये के आसपास ऑन रोड प्राइस में। आपको बता रहा हूँ ये सभी बाइकें उपलब्ध हैं लखनऊ में, लखनऊ के शोरूम पे। मैं नाम और मोबाइल नंबर हो सकेगा तो मैं लिख दूंगा। अभी हम बात करते हैं इसकी। सबसे पहले आप देखेंगे फ्रंट में इसमें वाइजर लगा हुआ है, और ये पूरा कस्टम बिल्ड लगाया गया है जिस पर आपको जेके टायर 6 नंबर इस पर लगा हुआ है, जैसे कि जो रेसिंग में चलती हैं गाड़ियाँ उनके यहाँ पर अगर आप देखेंगे मोटुल जेके टायर, और ये सब पूरा ग्राफिक्स इस पर लगाए गए हैं, कैफे रेसर इसको बनाया गया है। फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो ये फाइबर का मडगार्ड है, और इसमें टायर आपको जेके टायर मिलेंगे, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएगा। अब अगर आप इसको साइड से देखेंगे, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, आप लेफ़्ट साइड से देखेंगे तो सबसे इंटरेस्टिंग अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक प्लेट लगाई गई है जो इसके इस पॉकेट को रोक रखेगी, मतलब यहाँ पर कीचड़ ना निकले, तो ये इसको थोड़ा सा कस्टम बिल्ड बनाया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कॉन्टिनेंटल जीटी 650 ट्विन सिलेंडर की ये बाइक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक एक चीज़ इसमें कस्टम बनाई गई है, ये थोड़ा आपको अलग डिज़ाइन में लग रहा होगा, लीवर अलग डिज़ाइन में लग रहा होगा, और ये सारी चीज़ें, ये रोड क्योंकि ये पीछे करके बनाया, पीछे किया गया है इसको, इसलिए इसको ऐसा बनाया गया है। सस्पेंशन अगर आप देखेंगे तो MIG इसमें नाइट्रॉक्स सस्पेंशन दिया गया है, और ट्विन सस्पेंशन इसमें मिलते हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आप देखेंगे, इसका रियर प्रोफाइल टायर आगे है, इसकी सीट को कट किया गया है, यहाँ पर थोड़ा सा एक लगाया गया है, कवर लगाया गया है, और भाई टायर ऐसा लग रहा है जैसे जो रेसिंग टायर आते हैं वही टायर इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं। और ये पीछे से अगर आप देखेंगे तो इसका लुक बहुत ही, थोड़ा बैठ के दिखाना भाई, तो ये पीछे का जो इसका लुक निकल के आ रहा है ना भाई, गजब लग रही है गाड़ी, और जैसे अगर आप इसको देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्यार हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 130/80/18 का जेके टायर इसमें लगाया गया है, 130/80/18, और यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि जेके टायर का आगे ब्रांडिंग की गई है तो जेके टायर तो लगेगा ही। अब यहाँ पर आप देखेंगे रिम इसमें है स्पोक व्हील वाली, और ड्यूल साइलेंसर है, एक साइलेंसर इधर है एक साइलेंसर उधर है, और पूरा ये सिस्टम आपको कैसा लगा दोस्तों आप लोग अपनी राय ज़रूर दें। और इधर से अगर आप देखेंगे यहाँ पर इसके फुटरेस्ट को कैसे बनाया गया है, ये पूरा एकदम डॉटेड है। यहाँ पर आप देखेंगे ये लीवर इसमें पूरा कस्टम, ये पूरा ही कस्टम इसमें तैयार किया गया है, जिससे कैफे रेसर का जो लुक आता है वो पूरा इस बाइक को दिया गया है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा उठ के दिखाना भाई ज़रा, पेट्रोल टैंक पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये रेड कलर में है, रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग है, और यहाँ पर ये इसका ये ढक्कन है, कैप जिसको बोलेंगे इंग्लिश में, यहाँ पर रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग है। सस्पेंशन को आप देखेंगे कैसे एडजस्ट करने वाले सस्पेंशन इसमें लगाए गए हैं जिससे इसको एडजस्ट किया जा सके, चाबी वही है, और ऑन करने के बाद थोड़ा ये पुराना मॉडल है, यहाँ पर ABS की लाइट है, RPM मीटर है यहाँ पर, और ये पूरा मोटो ब्लॉगिंग के लिए दिया गया है, और ये कस्टम हैंडल इसमें दिया गया है पूरा। और यहाँ पर आप देखेंगे क्लच लीवर इसमें निकाल दिया गया है, क्योंकि अब ये बिकने के लिए नहीं है, इससे नॉट फॉर सेल है। और वाइजर आप देखेंगे सिर्फ कस्टम इसमें लगाया गया है, जिससे इधर से दिखाना, इसमें कुछ आगे है नहीं, यहाँ पर इसमें कुछ भी आपको आगे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ जैसे दिखाने के लिए, और इस वाइजर को यहाँ पर कनेक्ट किया गया है, बाकी सब कुछ तो काम कर रहा है, सिर्फ क्लच इसमें नहीं है। और अगर आप इंजन देखेंगे, पहले इधर से दिखाना, इधर से ट्विन सिलेंडर की बाइक है, और 650 cc के ट्विन सिलेंडर, वो भी जैसे एयर और ऑयल कूल्ड ये बाइक है। अगर इसके इंजन की बात की जाए तो 647.9 cc का सिंगल सिलेंडर एयर और ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है, 46.8 HP की पावर मिलती है 7250 RPM पर, 52.3 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलती है 5150 RPM पर, 2 सिलेंडर इसमें आपको मिल जाते हैं और 6 गियर आपको इसमें मिल जाते हैं। और भाई अगर इस बाइक की बात की जाए तो ये तो फिलहाल कस्टम है, सीट दिखाना भाई ज़रा, अगर इसकी बात की जाए तो ये तो जैसे कस्टम है, सीट में थोड़ा सा हेरा फेरी हो सकती है। और पहले ब्रेक की बात करेंगे तो आगे वाली ब्रेक है 320 mm की और 240 mm की पीछे है, आगे 320 mm की बड़ी सी डिस्क ब्रेक भाई आपको इसमें मिल जाती है, और पीछे 240 mm की। और अब जब आप खरीदेंगे तो ड्यूल चैनल ABS इसमें आपको मिलेगा, पीछे वाला दिखाना,
और ये 240 mm के डिस्क ब्रेक है, ड्यूल चैनल ABS इसमें आपको मिल रहा है। और अच्छी बात ये देखेंगे, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, इससे आप इसकी सीट को खोलेंगे तो सीट इसकी फट से खुल जाएगी तुरंत। यहाँ से इसकी जो वायर है उसको यहाँ से निकाल दिया गया है। और अगर आप जैसे इसकी सीट हाइट की बात करें, तो जैसे अभी ये भाई खड़ी है, स्टैंड भी नहीं लगा है, तो इस पर बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। 804 mm सीट हाइट है, 1398 mm व्हील बेस है, 214 किलोग्राम इसका वजन है, 12.5 लीटर का पेट्रोल टैंक इसमें आपको लगाया गया है। प्राइस की बात करें तो ये नॉट फॉर सेल है, ये बाइक नॉट फॉर सेल है, ये बिकने के लिए नहीं है। लेकिन अगर आप जैसे कॉन्टिनेंटल GT या इंटरसेप्टर लेते हैं और अगर आप उसको कस्टम करवाते हैं, तो आपको ख़रीदने के लिए लगभग 4,15,000 रुपये चाहिए, उसके बाद आप उसको कस्टम करवाएंगे। ये मैं ड्यूल सिलेंडर की बाइक बता रहा हूँ, और इसी पर ये मीटियोर 650 भी बनाई गई है। तो भाई आपको इसका मॉडल और डिज़ाइन कैसा लगा, आप लोग अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप अपने चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।